please like, share and subscribe Karan kyunki ab Karan to lagega. Imran Khan sahab baat kar rahe hain sir? नहीं नहीं जी, wrong number. सर नहीं सर, मैं मुझे नंबर मिला है कि मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ उसके अंदर मुझे उनका कैरेक्टर प्ले करना है, तो मैं उनसे बात करना चाह रहा था कि वो थोड़ा उनसे सीख सकूँ कि किस तरह बात करते हैं. तो आप इमरान खान साहब है ना? मैं दोबारा से कह रहा हूँ रॉन्ग नंबर. नहीं नहीं, तो आप कौन है फिर? मैं फैसल बात कर रहा हूँ. अरे फैसल जावेद, फैसल जावेद भी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? लेकिन मुझे तो कहा गया था इमरान खान साहब का नंबर है ये. नहीं नहीं नहीं, ये मेरा नंबर जी, मैं ठीक ठाक. अरे अरे, मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फैसल भी, मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ इमरान खान साहब का. मुझे एक फिल्म, नेक्स्ट फिल्म का मेरा वो गोल है कि उनके कैरेक्टर को पोर्ट्रे करूँ, तो आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी कि कैसे आप मुझे गाइड कर सकते हैं थोड़ा, उनकी मैं टोन टेम्पो कैसे पकड़ सकूँ या कोई मुलाकात करवा दें मेरी और आवाज़ स्पेशली. देखिए आप सच बोलेंगे तो ऐसा ही लगेगा वो बोल रहे. अरे और एक बात और, ये बात आपने कह दी सच बोलेंगे तो आई एग्री विद दैट, ऑनेस्टली सच बोलूंगा बिल्कुल ठीक है. और कोई एक टिप आवाज की गरज के लिए कुछ बता सकते हैं? ये तो देखिए आपकी अपनी आवाज है, उनकी अपनी, उनका एक मुनफरिद स्टाइल है. उसमें ये है कि वो एक तो क्लैरिटी बहुत है और दूसरा क्रिस्प बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जिस तरह से वो समझाते हैं और बहुत you can say more and less words. तो ये टेक्निक है. नहीं नहीं सर बिल्कुल, ये माफी चाहता हूँ, रॉन्ग नंबर मिल गया, लेकिन आपने भी काफी अच्छी टिप्स दे दी हैं एंड आई होप कि जो मैं करूँ आपको पसंद आए इंशाल्लाह. आवाज भी वैसे आपको बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह. एंड व्हाट यू गाइस आर डूइंग, इट्स द बेस्ट थिंग फॉर पाकिस्तान. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट विद योर मूवी. थैंक यू सर, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द रॉन्ग नंबर. Worst part, I think हम सब की नींदें हराम हुई. And pranks, also pranks. जो different ideas के साथ आते हैं ना, तो वो बड़ा मुश्किल लगता है, घबराहट होने लगती है. और especially हमारी टीम बहुत शरारती है. सिर्फ फिल्म में ही मजाक नहीं, हम वैसे ही बहुत मजाक करते हैं और बहुत pranks करते हैं दूसरे के साथ भी. I think the whole time was like a picnic. The wedding song. Exactly. और especially मजे की बात तो एक wedding song है, याद है सुबह का shot जो फंस गया था. सोचे सुबह एक like सूरज निकलने वाला है और आखिरी एक shot हमने practice की थी, सब कुछ अचानक उन्होंने कुछ step change कर दिया और मैं फंस गया और मेरा रॉन्ग नंबर लग गया और मैं फिर एंड में नीलम से वनीला, आई एम सॉरी, मुझे बार-बार करना पड़ा एक दफा और. और वो शॉट समी गई था तो इसीलिए. हाँ, लेकिन मजा आया, इट वाज ग्रेट, हमने बहुत एंजॉय किया. एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा है हमारी एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, लेकिन इसमें हमारी ऑडियंस हमारी सपोर्ट करेगी, क्यों नीलम? बिल्कुल, एंड नॉट फॉर ओनली आवर फिल्म, जितनी भी फिल्में पाकिस्तानी लग रही या लगेंगी, सबको बेस्ट ऑफ लक और सारी फिल्म्स को बिजनेस करना चाहिए. मंसूर असलम खान नियाजी, वो मिला था एक पीटीवी का प्ले था विच वॉज कॉल्ड घर की खातिर. उसके लिए आई वॉन द पीटीवी नेशनल अवार्ड, 16th नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर. और उसके अंदर दो अवार्ड्स थे, एक ज्यूरी चॉइस था, एक व्यूअर्स चॉइस था. उस अवार्ड की बेस पे उसी साल सबा कमर गॉट द अवार्ड तमगा इम्तियाज एज वेल और मुझे पीटीवी अवार्ड की बेस पे मिला था. दोनों का ऑनेस्टली, दोनों का मतलब मैं किसी काम दोनों का ही देखा हुआ है और दोनों, और क्योंकि हमें गवर्नमेंट के किसी डिसीजन पर डाउट करना भी नहीं चाहिए, वेल डिजर्व. दोनों बहुत डिफरेंट है, दोनों की ऑडियंसेस बिल्कुल डिफरेंट है और बड़ी फिल्म जो बड़ा पर्दा जैसे हम कहते हैं उस पर अपने आप को देखना कुछ अलग ही लगता, अलग ही बात होती है. तो मेरा ख्याल है हमें दोनों ही करना चाहिए, फिल्म और ड्रामा, बिकॉज ऑडियंसेस आर टोटली डिफरेंट. बहुत हसीन आ रही बड़ी स्क्रीन पे, यकीन जानिए आप सिर्फ जाके देखिए, आप देखते रह जाएंगे और हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, आप बहुत इंजॉय करेंगे. बोथ, बट वो अफजल के कैरेक्टर में जो है ना, मेरा दिल मेरी जान रह गई है, तो अफजल ऑल टाइम. आई एम अ हार्डकोर ऑनलाइन गेमर. वन थिंग अबाउट मी दैट यू डोंट नो, दैट आई लिव इन कराची और समी लाहौर में रहते हैं. दैट्स द लेटेस्ट इन्फो. देखें महमूद असलम मेरे अब्बा है, मुझे पसंद है. आप अपने अब्बा की तारीफ करें, अपने अब्बा की तारीफ कर लेते हैं. चाहत में तेरी होंगे एक दिन फना हो यारा. Anyone who's good for Pakistan is good for us. It's good for us. Bye.
पाकिस्तान ख्वाहिश तो यही है पूरी पाकिस्तान इंशाल्लाह देखिए हम नीलम ने कह दिया है तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम आयजा हमीद कैसी हैं आप ठीक हैं कौन बोल रहा है नीलम बात कर रही हूँ नीलम मुनीर कैसी हैं आप ठीक हैं हाँ जी मेरी फिल्म आ रही है रॉन्ग नंबर टू अगर आप थोड़ा बहुत टीवी देख रहे हो आजकल हम बड़ा न्यूज़ पे चल रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी है बट चले दैट्स ऑल राइट मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी ये कि हम एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें आपको हम कास्ट करना चाह रहे थे इफ इट्स पॉसिबल नहीं जी मैं प्रोफेशन में नहीं हूँ तो ट्राई बिकॉज आप इतना अच्छा इतना प्यारा बोलती हैं और इतनी गुड लुकिंग हैं आप अगर आप करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा थैंक यू जी मेरा कॉम्प्लीमेंट है लेकिन मेरा ये काम नहीं है ना मैं प्रशासन में हूँ कभी आपने सोचा भी नहीं कभी नहीं करेंगे आप नहीं जी मेरा टैलेंट ही नहीं है आप जैसा टैलेंट नहीं आप मुझसे बहुत 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 बेहतरीन है अगर कर लेती तो लेकिन टैलेंट नहीं है मेरे पास आप ट्राई तो करें काफी लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता लेकिन जब वो सेट पे आते हैं और स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो कहते हैं ठीक है हो जाएगा अब मैं अभी सियासत में ट्राई कर रही हूं मुझे उससे वो ट्राई करनी है अच्छा तो फिर इसका मतलब है कि ना है कभी तो लेकिन अब तो आप मेरे साथ करेंगे चाहे आप ड्रामा ही करें आप मूवी ना करें कोई टॉक शो जबरदस्त थैंक यू आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये तो रॉन्ग की जगह राइट नंबर लग गया अब हम आपस में मिलेंगे और हम बात भी करेंगे थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम बाय अस्सलाम वालेकुम मैं नीलम मुनीर खान गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द करंट क्योंकि अब करंट लगेगा